Good morning, everyone. This is Samba Bate from Eastern Today News, reporting from Canon Village under Soha Circle, Tirab District. So, आज Care Me Home, a rehabilitation center from Khonsa, यहाँ में एक de-addiction camp setup किया है, जिसमें यहाँ भी यहाँ के youths लोग जो drugs और opium पे indulge हैं, उनके लिए एक free checkup रखा गया है. तो जुड़े रहिए हमारे साथ. आज मैं Canon GB Phuban Sabin ने हमारे गांव लोरा होकलों मैं खुनसार चज्जो रिहेब सेंटर पठाई जीतु आज प्रोग्राम दुबार आमार रिहेब मेडम सन्तुंगे बहुत सहयोग आज मैं छा ला मैं पठाई और सीत देखी पा भल पाए भी पठा आशा एक और हेतु प्रोग्रामे जो किसान मानु ऊल्ग गल हे किसान ऊल्ज बहाना ला निजर बहाना लिखने पला जो मानुबा कन्टिन्यू पुलिस धरव कन्टिन्यू रिहेब धरव इतना आम किक्स ना कौन रात धरव कन्टिन्यू धरव कौन तारीख धरव कौन मैना धरव मोर एक दायित्व ना धरी लाभ पारे कन्टिन्यू धरव मोर रिक्स ना लाओ अजो रिहेब पार्टी और पुलिस स्टेशन पार्टी हाथते बेचा मानु खा मानु दुटा कम्पानीते मैं ढाली दीस आज आज इन जन पठा पारिशं यू मैं खुशी पासी शांति पासी लाख एकदम सफा होने बोले एक मोर डांगर आशा आसे धन्यवाद. मोर नाम विरों साबिन केनन बस्तियर आसे एटु आज दिन तो आमार बस्तीते 60 हाउस पूरा पूरा माने ड्रग्स पूरा एडिक्टेड हुआ कारण बहुत मन दुख होइसुं. वुमेन डिपार्टमेंट भी बहुत बारे बारे माने अवेयरनेस कारण खबर दिया आसे घरे घरे हले भी नेमाने एक उपाय भी नाय बस्तीते बहुत दुखर आसे बहुत कमजोरी इफाले भी पढ़ा लिखा फल भी ना आसे एटु कारण लीडर लगे चीफ जी बी लगे मेम्बर पंचायत लगे बहुत जोर जार कर वुमेन डिपार्टमेंट फल भी वुमेन एस एस जी पा भी बहुत जोर जार कर बसाम बस्ती तो केने तरीका पूरा बसाम भाबा तो आज एक आमार बस्ती लराबल यूथब पूरा एडिक्टेड आसे यू कारण आज बहुत धन्यवाद दी आसूँ एक Care Me Home डिपार्टमेंट एन जी ओ डिपार्टमेंट फल आमार स्पेशली आमार भनी सन्तुंग बंसिया तारे निजर मानु बोले बहुत जोर जार कर आज बेसि भल चांस पाई बोली एने बहुत थैंक्स दी आसूँ और आज यू आम लराबल यूथ्सब आठ जन आम पठाई दी आसूँ ताते Care Me Home यू कारण इतर कारण बहुत थैंक्स दी आसूँ यू फ्यूचारते और एने भल हम कारण बया हम कारण यू ना भल हम कारण बहुत आम कोशिश करें इतने भी बहुत थैंक्स दीसूँ इतर डिपार्टमेंट कारण भी और बस्ती मानु और फ्यूचारते इते भल कारण भल कारण यू भल हम दे लराबल भल हम दे एने भाई आसूँ और फ्यूचारते एने चांस तो नाबे यू अवेयरनेस तो सदा दिन कारण सदा दिन कारण माने हेरी कराटे यू एडिक्टेड तो अवेयरनेस तो सदा दिन कारण भल हम बोले एने भाई आसूँ और आम बहुत धन्यवाद दी आसूँ इतर कारण और बस्ती मानुल बस्ती आम बस्ती तो 66 हाउस पूरा पूरा ओवरलि बेसि एडिक्टेड हुई बहुत दुख आसे और आम इतने बहुत थैंक्स दी आसूँ और एने दिन तो और नाहक बोले यू प्राय खत्म करे कि भल आसे बोले एने भाई आसे आम राज्य फल वुमेन डिपार्टमेंट पर मैं इमान कैसा. तो मैडम जी हमारा तिरा पुलिस के तरफ से प्रोजेक्ट पतिगत भी चल रहा है, उसके बावजूद भी आपको फिजिकली Canon विलेज में विजिट करना पड़ा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? थैंक यू ईस्टर्न टुडे. एक्चुअली ये जो Canon विलेज जो हमको चीफ और जीबी और पंचायत और वोमेन टीम से हमको खबर मिला है और एप्लीकेशन भी मिला था पहले थ्री फोर मंथ पहले जो कि प्रोजेक्ट प्रतिघात नहीं होने से पहले.
तो वहाँ में जो देखा है जो पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा ही लाइक 54 हाउसेस से 53 लोग अफेक्टेड है ड्रग्स को लेके। तो हमने सोचा है कि वहाँ में डिटॉक्स कैंप कराएगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हम लोग को परमिशन दिया है। तो हमने दो बार विजिट किया वहाँ पे काउंसलिंग के लिए भी, और जब हमने देखा है वहाँ में फिजिबल नहीं है वहाँ में कैंप करने को, तो इसलिए हमने फिर सोचा है कि नहीं, ये सबको यहीं में हम लोग चारजू में हम लोग का रिहेब कैंप में लेके आएगा। तो ये आज इसलिए हम लोग फिर कैनन में गया है, और वहाँ में हम लोग ने टेस्ट भी कराया है, क्योंकि अभी देखा जाए तो जो अभी यूजर है ड्रग्स यूजर, तो उसमें ज़्यादातर HIV केसेस बहुत फैला हुआ है। तो इसलिए हम लोग का टीम ने ये स्टेप उठाया है, और हाँ, प्रोजेक्ट प्रतिघात भी काफ़ी काम कर रहा है और हम लोग भी साथ में काम कर ही रहा है। लेकिन ये बस्ती जो है कैनन बस्ती, जो थोड़ा पहले आप लोग को भी बताया है, हमारा जो गांव बुरा और वहाँ का जो वोमेन लीडर, लाइक वो एक छोटा सा बस्ती है, लेकिन वहाँ में जो ड्रग्स यूजर जो इतना ज़्यादा है, इतना इफेक्टेड हो गया ड्रग्स को लेके, तो इसलिए हम लोग ने ये बस्ती को बहुत सीरियसली हम लोग ने टेकअप कर रहा है। और अभी जो बहुत सीरियस इशू तो ये है कि सिर्फ यूथ ही नहीं होके वहाँ पे वोमेन लोग भी है जो ड्रग्स यूजर है, और ये बहुत ही सीरियस इशू है। लाइक जो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है, 15 to 20 ईयर्स में ज़्यादा एडिक्शन जो पाया गया है, और इसमें एडल्ट लोग भी है लेकिन ज़्यादातर यूथ है। तो आप हमारे पब्लिक, स्पेशली जो यूथ्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तरफ से ये एक मैसेज होगा कि लाइक सभी को अभी जो ड्रग्स को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल भी काफ़ी लगा हुआ है हर एंगल से, लेकिन हम लोग का जो एज ए ह्यूमन बींग, हम लोग का भी एक दायित्व बनना है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये चीज़ को हम भी कोशिश करें कि अपना समाज से इरेडिकेट करने के लिए। तो हम सभी को अपील करता है एज ए सोशल वर्कर, और हम ये फील्ड में जो काम कर रहा है, हमारा जो NGO है, हमारा जो टीम है केयरमी होम वेलफेयर सोसाइटी, यानी कि हम लोग ड्रग डिएडिक्शन चला रहा है के रिहेब चलाता है, तो इसमें देखा जाए तो ज़्यादातर यूथ इन्वॉल्वमेंट है, और बहुत सारा पेरेंट्स को मालूम भी नहीं होता है कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। इसलिए हम सभी पेरेंट्स को, सभी लोग से मेरा अपील है कि ये चीज़ को इशू, ये बहुत सीरियस इशू है, जब ड्रग्स, जब हम सब मिल के ही ये चीज़ को हम लोग इरेडिकेट कर सकता है। तो मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि हम सब अवेयर होना चाहिए, और सब लोग मिल के ये चीज़ को, सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं, या पुलिस डिपार्टमेंट को ही नहीं, या एडमिनिस्ट्रेशन को ही नहीं, खुद को भी हम लोग एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन सोच के हम लोग आगे आना है, और ये जो ड्रग्स है इसको हम लोग इरेडिकेट करने के लिए सब मिल के हम लोग काम करना है। थैंक यू मैडम। So finally, we have arrived in Keremi Home Drug De-Addiction Cum Rehab Center in Khonsa. So after visiting Konan Village, हम आए हैं वापस यहाँ पे, कम से कम इन टोटल 8 लड़के को लेकर जो यहाँ पे एडमिट हो गया है। एंड फाइनली ह्यूज शाउट आउट टू Keremi Home Center फॉर डूइंग सच एन आउटस्टैंडिंग वर्क। और हम पब्लिक को भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे ख़राब चीज़ पे इंडल्स ना हो, स्पेशली यूथ्स, जो अपना लाइफ को मत बिगाड़े। थैंक यू।